अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक। हाँ जी। जी तो मैं जी अनार खाने लगा था। तो रात हो गई थी 2 बजे, तो मुझे भूख लग गई थी, अनार पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो अनार निकाल के खाते हैं इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने अनार काटा और माशाल्लाह से अनार देखे लाल कमाल का निकला। देखें जी, अनार लाल सुरख मज़ेदार अनार निकला। अभी मैं अनार निकाल के खाने लगा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ भाई ये 2 अनार में से ना कितने कितने को दाने निकल जाते हैं। ये देखें भाई साहब, अनार मैंने जो सा ये निकाल लिया इतना, और बाकी एक अनार मैंने निकाल लिया, और ये दूसरा देखें ये मैंने काटा है। तो अंदर से ना इसके ये देखें किस तरह का अनार है, अंदर से ख़राब, इस तरह ख़राब हुआ हुआ है जिस तरह ना, ये देखें यहाँ से कच्चा है, यहाँ से पका हुआ है, ये देखें ये पीछे से भी देखें, और ये देखें, ये देखें किस तरह दरमियान से ख़राब है, बाकी कुछ ठीक है साइडों से। इस तरह लग रहा है जिस तरह इसको दवाइयाँ लगा के पकाया हुआ है, और इसके अंदर से स्मेल स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है। इस तरह स्मेल आ रही है जिस तरह वो स्प्रे की नहीं होती स्मेल, स्प्रे की स्मेल, वो क्या कहते हैं नेल मूवर जो सी वो लड़कियां यूज़ करती हैं ना, उसकी स्मेल आ रही है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह ये यहाँ से ख़राब है, ये जहाँ मेरा अंगूठा है ये सुराख हुआ है छोटा, और इसके पीछे इस तरफ कुछ भी नहीं है। इस तरह लग रहा है इस तरह टीके से कोई चीज़ भर के ना इसके अंदर यहाँ इस जगह से लगाई गई है, तो जिस वजह से ना यहाँ से ये ख़राब हुआ हुआ है, और बाकी जो दवाई ने असर किया है वो देखिए यहाँ से कुछ कच्चा है, कुछ पका है, और बहुत गंदी आ रही है इसकी। और ये वाला देखें, ये देखें किस तरह अंदर से ख़राब हुआ हुआ है, ये दरमियान से कच्चा है, अंदर यहाँ साइडों से पका हुआ है। पता नहीं क्या ना, मतलब कि मुसलमानों का कोई ईमान रहा ही नहीं, इस तरह 2 नंबर ही करने लग गए ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी उठ चुका हूँ, सुबह फजर का टाइम है। याद रखें घर से जब भी निकलें दुआ पढ़ के निकलें। दुआ पढ़ने से एक तो ये होता है आपकी हिफाजत होती है, फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं किसी भी हादसे से या किसी भी तरह के हादसे से आपकी हिफाजत हो जाती है। दुआ पढ़ के घर से निकलना चाहिए। तो मैं जी बात करने लगा था जो से रात अनार जो से मैंने देखे ना, यार सही बात है लोगों के ज़मीर मर गए हैं, कोई हाल नहीं रहा यार। वो तो ठीक है, सुना था कि वो रंग करते हैं, वो तो सुना था कि वो रंग करते हैं फलों पर, तो फलों पर रंग करके तो मतलब कि जो उनसे उनका असल रंग होता है वो रंग असल करके तो वो बेचते हैं, वो तो ठीक है सुना था। अब यार अनार के अंदर उसको पता नहीं किस तरह उन्होंने दवाइयाँ लगा के पकाया। अनार तो मतलब कि अनार हमें प्रोटीन्स और क्या कहते हैं प्रोटीन्स मतलब कि हमें मुहैया करता है, तो उसके अंदर उसको दवाइयाँ लगा के पकाया है, और उसके बाद वो अनार तो हमारे जिस्म के अंदर खून बनाता है, तो दवाइयाँ लगा के उसको पकाया है, तो वो हमारे अंदर जाके तो वो खून ही बनाएगा, वो तो केमिकल्स ही बनाएगा किसी और तरह के, ठीक हो गया। तो सही बात है, कोई हाल नहीं रहा यार, ख़त्म हो गया। अभी जी मैं मस्जिद पहुंच गया हूँ, फजर की नमाज़ का टाइम है तो नमाज़ पढ़ते हैं, और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हुई है, नमाज का टाइम हो गया। आज का व्लॉग जी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।